विरार महानगर पालिका हमेशा ये बोलती है हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए काम अटका हुआ है। तो यहाँ 7 करोड़ रुपए बर्बाद कर देगी वसई विरार महानगर पालिका को, जरूरत कहाँ है जब ये रोड बना हुआ है। इसमें मैंने जैसा पहले बोला था कि भ्रष्टाचार हो चुका है या भ्रष्टाचार होने वाला है, तो मैं एक सीधे शब्दों में कहूँ तो इस पूरे खेल के पीछे कुछ बड़ी वजह है। नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं खड़ा हूँ वसई नवगर मणिकपुर एसटी बस डिपो के यहाँ। आप मेरे हाथ में कुछ कागज़ देख सकते हैं, एक ये महानगर पालिका का डीपी प्लान है और एक ये पत्र है। इसके बारे में आपको बताऊंगा कि क्या विषय है। दरअसल ये एसटी डिपो जहाँ हम खड़े हैं, ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी जगह है, पूरी इतनी बड़ी, ये इतना बड़ा लैंड है, जगह है। ये जगह एसटी महामंडल के कब्जे की जगह है, एसटी महामंडल इस जगह का मालिक है। इस पूरी जगह को आप जरा कैमरा घुमाइए दिखाइए, पूरी जगह इतना इतनी बड़ी ये ज़मीन है, ये एसटी महामंडल की है और आज कई सालों से एसटी महामंडल इसकी मालिकाना हक रखती है। अब वसई विरार महानगर पालिका की जो अथॉरिटी है, डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसका अपना डेवलपमेंट का प्लान होता है, प्लान सेंशन होते हैं, उसमें अलग अलग डीपी प्लान होते हैं, ये होता है। तो मेरे हाथ में ये डीपी प्लान ही है। अब इस ज़मीन को लेकर भ्रष्टाचार हुआ है या भ्रष्टाचार होने वाला है ये अभी कहना आसान नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है शायद भ्रष्टाचार हो चुका है और कभी लगता है नहीं भ्रष्टाचार होने वाला है। लेकिन अल्टीमेटली जो भी हो, मसला करोड़ों का है, मामला करोड़ों का है। दरअसल ये ज़मीन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये एसटी महामंडल के अधीन की है और ये जो मेरे हाथ में डीपी प्लान है, इस डीपी प्लान में ये रोड है, ये रोड दिखाई, ये जो रोड है, ये एक तरफा रोड और ये दो तरफ जो रोड है, ये रोड महानगर के डीपी प्लान में 100 फीट का रोड ये दिखाई दे रहा है। ये 100 फीट का रोड दिखाई दे रहा है महानगर पालिका को, ये 100 फीट का रोड बनाने का कोई जब डीपी प्लान है वहाँ पर डेवलपमेंट महानगर पालिका को करना है तो किसी को हरकत नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ हरकत क्यों है उसके पीछे का कारण आपको बताऊँ। दरअसल ये जो रोड है, ये रोड लगभग काफ़ी अच्छा बना हुआ है, ये बात अलग की कि बरसात में गड्ढे वगैरह होते हैं, लेकिन फिर भी ये रोड बना हुआ है, डेवलप है। और इस रोड को बनाने के लिए वसई विरार महानगर पालिका एसटी महामंडल से ज़मीन खरीदने के लिए प्लान बना चुकी है। सालों से वो प्लान जो है महानगर पालिका में पड़ा है, उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो प्लान महानगर पालिका के टेबल से, एक टेबल से दूसरे टेबल की ओर बढ़ रहा है। उस प्लान में 7 करोड़ रुपए, फिर से सुनिएगा, 7 करोड़ रुपए इस रोड के लिए एसटी महामंडल को वसई विरार महानगर पालिका चुकाने वाली है। अब 7 करोड़ रुपए इस रोड पर क्यों बर्बाद करने का जब ये रोड है? ऐसे कई प्लान वसई विरार महानगर पालिका में, एक डीपी प्लान नहीं है, सैकड़ों डीपी प्लान है, वहाँ पर वसई महानगर पालिका ने डेवलपमेंट किया है क्या? नहीं किया है। तो क्यों नहीं उन जगह पर डेवलपमेंट किया है? बड़े बड़े विषय, होल्डिंग पॉइंट जो काफ़ी बड़ा विषय है, उन बड़े बड़े विषय पर वसई विरार महानगर पालिका हमेशा ये बोलती है हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए काम अटका हुआ है। तो यहाँ 7 करोड़ रुपए बर्बाद कर देगी वसई विरार महानगर पालिका को, जरूरत कहाँ है जब ये रोड बना हुआ है? इसमें मैंने जैसा पहले बोला था कि भ्रष्टाचार हो चुका है या भ्रष्टाचार होने वाला है, तो मैं एक सीधे शब्दों में कहूँ तो इस पूरे खेल के पीछे कुछ बड़ी वजह है। किसी पार्टी विशेष को फायदा पहुँचाना है वसई विरार महानगर पालिका को, और उसके लिए वसई विरार महानगर पालिका पब्लिक के 7 करोड़ रुपए की बर्बादी करने पे तुरी हुई है। इस चीज़ की मैंने काफ़ी गहराई से छानबीन की वसई विरार महानगर पालिका में, मैंने अखबार के जरिए इसमें आर्टिकल भी दिया, लेकिन मेरी जहाँ तक जानकारी है कि ये फाइल जो है टेबल दर टेबल जा रही है और फाइनलाइज होने को है। अब चूँकि मैं मजदूर पार्टी, राष्ट्रीय मजदूर पार्टी जॉर्ज फर्नांडिस का पालघर जिलाध्यक्ष हूँ, इस नाते इस प्रोजेक्ट को लेकर मेरी आपत्ति मैंने महानगर पालिका और शासन को दर्शाई है। मैंने शासन को सभी को मेल कर दिया है और महानगर पालिका आयुक्त को भी उसमें मेल किया है और उनको मैं बाई हैंड भी मेरा ये पत्र देने वाला हूँ कि इस रोड पे 7 करोड़ का महानगर पालिका जो बर्बाद करने वाली है उसको हम जनता जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
और यहाँ मैं आज ये ऐलान कर रहा हूँ कि अगर महानगर पालिका ने मेरी इस हरकती पर ध्यान नहीं दिया तो भविष्य में नौबत आई तो हमारी पार्टी राष्ट्रीय मजदूर पार्टी जो है इस मामले पर तीव्र आंदोलन करेगी, क्योंकि यहाँ इस रोड के ऊपर पैसा बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस रोड के बारे में थोड़ा और आपको बता दूँ, यह रेलवे और रोड जो है वो रेलवे पर डेड एंड है, रेलवे से आगे जा नहीं रहा है। इस तरफ जाएंगे बाहर की तरफ तो बाहर की तरफ ये सिर्फ मेन रोड को मिल रहा है, यानी इतना सा पट्टा ये बना रहा रोड, और रोड ऑलरेडी बना है दो टुकड़ों में, वो पीछे का रोड जो आप दिखाई दे रहे हो वो कई ज़्यादा लोग यूज़ भी नहीं करते, सिर्फ ये रोड यूज़ होता है। तो ऐसे में फिर इसमें क्या बनाने का 7 करोड़ रुपये का इसको खरीद कर, तो ये बहुत बड़ा झोल है किसी पार्टी विशेष को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, पब्लिक के पैसों की बर्बादी है। इसलिए एसटी महामंडल को भी मैं ये बात बोलता हूँ कि वो भी ये प्रोविज़न जो है वो रिजेक्ट करे, और ये जो पूरा सौदेबाजी होने वाली है इस सौदेबाजी को महानगर पालिका कैंसिल करे। डीपी प्लान दिख रहा है, डीपी प्लान आपके पास जब पैसा हो बाद में तब आप उसको डेवलप करना, आज इसकी आवश्यकता नहीं है, कम से कम हम क्षेत्रवासी को तो इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, हालांकि अभी ये हुआ नहीं है लेकिन फाइल टेबल टू टेबल दर टेबल आगे फाइल चल रही है, उतनी जानकारी मेरी है। मैंने शासन को पत्र लिखा है, मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखा है, एसटी महामंडल को पत्र लिखा है, सबको ये पत्र भेज चुका हूँ। और आयुक्त साहब, आपको अंधेरे में रखा गया होगा शायद, आप अभी अभी आए हैं, आयुक्त अनिल पवार साहब से आपसे मैं विनती करता हूँ, आप इस प्रोजेक्ट को बिना सोचे समझे फाइनल नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट है पब्लिक के नुकसान का है, फ़ायदा कुछ नहीं है, पब्लिक के पैसे की बर्बादी का। तो ये मेरा लक्ष्य है, और खास करके महानगर पालिका और एसटी महामंडल दोनों का मैं इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, इस पर ध्यान दिया जाए, नहीं तो भविष्य में अगर नौबत आई तो हम बड़ा आंदोलन भी करेंगे, पब्लिक के पैसे की बर्बादी होने नहीं देंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।